नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और रोज की तरह हमारा जो चैप्टर है एक एक करके आगे बढ़ते जा रहा है हॉलमार्किंग ज्वेलरी के ऊपर, कि हॉलमार्किंग का क्या नॉर्म्स होता है इंडिया में, ज्वेलर्स के लिए क्या नॉर्म्स होता है जो उसको परचेज कर रहा है खरीदार, उसके लिए अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आए तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे हॉलमार्किंग सेंटर खोल सकता है, बहुत सारे विषयों पर हमने लगातार चर्चा की है। कम से कम 19 से 20 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें हमारी और आगे बढ़ेंगी और आशा करता हूँ कि 2-4-10 दिन में ये पूरा हॉलमार्किंग का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर हॉलमार्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा ये प्लेलिस्ट में जाइएगा और हाउ टू स्टार्ट बुलियन बिजनेस के अंदर में जाके देखिएगा, पूरा लिस्ट अब कम से कम 32-33 का आपको मिलेगा ये हॉलमार्किंग के ऊपर, ताकि आपको कोई भी हॉलमार्किंग के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो या चीज़ें जाननी हो तो आप जान पाएँ और अपना व्यापार चालू कर पाएँ। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, कि वी आर अ मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग ज्वेलरी टू चेन स्टोर, हाउएवर द चेन स्टोर आर आस्किंग फॉर अनमार्क्ड आर्टिकल सो दैट हॉलमार्क मे बी डन बाई सच स्टोर एट देयर एंड, वुड बी परमिटेड और डू यू नीड एनी डिक्लेरेशन फ्रॉम द चेन स्टोर टू सपोर्ट दिस। देखिए इनका सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा था, थोड़ा लेंदी था, इसको शॉर्ट में समझाते हैं कि ये लोग मैन्युफैक्चरर हैं ज्वेलरी के और ये लोग अपना ज्वेलरी जो है वो चेन स्टोर को सप्लाई करते हैं। चेन स्टोर मतलब जैसे मान लीजिए आपका तनिष्क हुआ, पीसी चंद्र ज्वेलर्स हुआ, सेनको हुआ, इन लोग का अलग अलग देखिएगा स्टोर खुलता है, बहुत सारे सिटीज़ में इनका स्टोर रहता है, तो इनको चेन स्टोर बोलते हैं। तो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और ऐसे चेन स्टोर्स को ये लोग ज्वेलरी सप्लाई करते हैं। मगर बहुत बार क्या होता है कि जो चेन स्टोर होता है इनसे अनहॉलमार्क आर्टिकल्स मांगता है कि ऐसा ज्वेलरी जिसका हॉलमार्क अभी तक बिना हॉलमार्क के मैन्युफैक्चरिंग करके इनको दें, ऐसा डिमांड रहता है। तो ये इनका कहना है कि इस सिचुएशन में ये लोग क्या करेंगे और क्या इनको कोई डिक्लेरेशन दे के ऐसा कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ तक BIS का नॉर्म्स है, जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग करके B2B को सप्लाई करते हैं मतलब चेन रिटेल को, तो ये जो सेगमेंट है ये B2B में आता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस में। तो अगर आप B2B भी मैन्युफैक्चरर हैं और किसी चेन स्टोर को अपना माल सप्लाई कर रहे हैं तो विदाउट POT, विदाउट चेकिंग, विदाउट हॉलमार्क, विदाउट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए आप ये काम नहीं कर सकते या आप उसको नहीं दे सकते। चेन स्टोर का क्या सिस्टम है कि अगर वो आपसे ज्वेलरी खरीद रहा है तो आपका किया हुआ हॉलमार्क ही उसको अपने क्लाइंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है, उसको फिर से हॉलमार्किंग कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी सपोज कीजिए आपने एक चेन बनाया, आप B2B मैन्युफैक्चरर हैं और आपने कहीं भी तनिष्क में हो या सिनको में हो कहीं भी आपने सप्लाई किया, तो आपने हॉलमार्क अगर उसको करा के दिया हुआ है तो अगर वो अपने चेन स्टोर में अलग अलग जगहों में इसको रखता है और क्लाइंटों को सेल आउट करता है, बेचता है, तो उसको फिर से जाके उसको री हॉलमार्क कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके कराए हुए हॉलमार्क पे ही उसका काम चल सकता है। आशा करता हूँ कि जो पॉइंट है एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर आप B2B ज्वेलर मैन्युफैक्चरर हैं और चेन स्टोर में सप्लाई देते हैं तो भी आपको अपना हॉलमार्किंग करा के ही अपने चेन स्टोर में उन लोगों को सप्लाई देना होगा। ये एकदम क्लियर सा पॉइंट है और जो चेन स्टोर ले रहा है उसको एक्स्ट्रा हॉलमार्क कराने की ज़रूरत नहीं है, उसी हॉलमार्क पे वो अपने क्लाइंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। दोस्तों हमारी कोशिश है एक से एक और एक एक करके नए नए वीडियोस आपके सामने लाना, नए नए सब्जेक्ट पे लाना, ताकि देखिए बहुत चेंजिंग हो रहा है लगातार मार्केट में और कोविड के बाद तो बहुत सारा सिचुएशन बदल गया है, बिजनेस का काम करने का तरीका सब कुछ। तो अगर आपको भी चेंजेस पकड़ना है, अगर आपको मार्केट पकड़ना है तो आपको भी अपने बिजनेस में चेंजेस करना होगा। अगर पुराने सिस्टम को लेके आप चलिएगा तो 1-2 साल में आप ख़त्म हो जाइएगा, या हो सके बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक ख़त्म हो चुके होंगे। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है मगर बहुत सारा बिजनेस फेलियर हुआ है, तो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ों को ही बताते हैं और बोल रहे हैं। अगर आपको रिसर्च में या मार्केटिंग में या अपने बिजनेस के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा हो जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे टीम की हेल्प ले सकते हैं। हम लोग ऑडिट के सिस्टम से, रिसर्च के सिस्टम से पूरा चीज़ को पता लगा के उसका सॉल्यूशन हम लोग कंपनियों को देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे,
तो हम आपको कोटेशन या जो भी रेट है वो भेज सकते हैं कि कितना पैसा लगता है ये सब काम करने में, ताकि आपका बिजनेस ठीक चले और आप एक प्रोफेशनल सर्विसेज पाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।